वेलकम अगेन टू माय चैनल रोबर्स बाजार। आज हम बात करेंगे IEX स्टॉक के बारे में। स्टॉक ने क्लोजिंग दी है 163.10 पर 15 जुलाई 2022 को। यहां से आपको बाय करना है या नहीं, कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है मेरी। यहां हम स्टॉक के बारे में जानेंगे कि कंपनी फाइनेंशियली साउंड है या नहीं। IEX क्या करती बेसिकली, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। IEX क्या करती है बेसिकली, IEX इंडिया की एक प्रीमियर एनर्जी मार्केट प्लेस है, जहां ये प्रोवाइड करती है नेशन वाइड ऑटोमेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर फिजिकल डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूअल और सर्टिफिकेट इशू करना एक्सेट्रा। IEX ने रिसेंटली अपनी एक्सपेंशन क्रॉस बॉर्डर ट्रेड पर भी कुछ अच्छे कदम उठाए हैं। कई सारे ट्रेडर्स नहीं जानते कि IEX बेसिकली करती क्या है और उसका काम एक्चुअल में है क्या। ये वीडियो पर आपके कमेंट ज़रूरी हैं, जिससे आपके कुछ डाउट्स को मैं क्लियर कर पाऊँगा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। IEX एक एक्सचेंज है जिसके द्वारा बिजली रिन्यूअल एनर्जी को एक बेहतरीन इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जाता है। IEX कोई बिजली नहीं बनाती बल्कि पावर ट्रेडिंग सप्लाई चेन है। ये एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करती है जिससे एक जगह से दूसरी जगह तक बिजली को पहुंचाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सचेंज। ये पूरे प्रोसेस में IEX का मेन रोल है जो कोई और कंपनी नहीं करती। जैसे आप ट्रेडिंग करते हैं ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स या कोई और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, सारी ट्रेड रिपोर्ट्स जो कि आपकी जानकारी होती है वो जाती किसके पास है, NSE और BSE के पास। वैसे ही बिजली कोई और कंपनी बनाती है, लेकिन उसका जो मेन काम है IEX का। IEX अगर सप्लाई चेन एग्जैक्टली ना दे तो ये पावर हमारे घर तक नहीं पहुंचेगी। IEX का एक रोबस्ट इकोसिस्टम भी है, 6800 के आसपास इसके पार्टिसिपेंट्स हैं अक्रॉस 29 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरेटरीज अक्रॉस इंडिया। प्लस इनके पास 55 प्लस डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़ हैं, 500 प्लस कन्वेंशनल जनरेटर्स हैं और स्ट्रॉन्ग बेस है, 4400 प्लस कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं जो कि मेटल कंपनी से आते हैं, फूड प्रोसेसिंग कंपनी से आते हैं, टेक्सटाइल कंपनी से आते हैं, सीमेंट्स कंपनी से आते हैं, सेरेमिक कंपनी से आते हैं, केमिकल, ऑटोमोबाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रियल एस्टेट एक्सेट्रा। तो काफ़ी सारे इनके क्लाइंट्स हैं जो कि काफ़ी सारे कंपनीज हैं, कंपनी से बिलोंग करते हैं। जहां पे बिजली की सप्लाई ज़रूरी होती है वहां ये ऐसा इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं जिससे आसानी से बिजली पहुँच जाती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ पर टोटल प्रमोटर होल्डिंग ज़ीरो है। कई सारे ट्रेडर्स के मन में ये आ रहा होगा कि टोटल प्रमोटर होल्डिंग ज़ीरो क्यों है, इसका मतलब यह है कि कंपनी काफ़ी ख़राब है। ऐसा नहीं है, अगर आप HDFC को भी जाके चेक करोगे तो HDFC में भी आपको टोटल प्रमोटर होल्डिंग ज़ीरो दिखाई देगी। फेडरल बैंक को भी जाके चेक करोगे तो उसमें भी आपको टोटल प्रमोटर होल्डिंग ज़ीरो दिखाई देगी। इसका मतलब वो कंपनी ख़राब नहीं हो गई, ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न इसलिए ज़ीरो दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया 13.61, तो दैट इज़ गुड। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है 5.88 और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अच्छा खासा इन्वेस्ट किया हुआ है 27% का और रिटेल निवेशकों के पास 53.45% इन्वेस्टमेंट है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न से आपको डरने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ पे 0% शेयर होल्डिंग पैटर्न दिख रहा है तो इसका मतलब ही कंपनी ख़राब है। अगर ऐसा होता तो शायद से HDFC भी डूब चुकी होती और फेडरल बैंक भी डूब चुका होता। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात की जाए तो फाइनेंशियल ट्रेंड भी लगातार इंप्रूव हुआ है 2019 से लेके। अगर 2022 की बात की जाए तो 2019 में 294 और 2020 में 297, फिर उसके बाद 2021 में 356 और 2022 में आप देख सकते हैं रेवेन्यू इंक्रीज सीधे 491 हो गई। प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज़ हुआ है 175, 206 और 309, तो लगातार 3 साल में इम्प्रूवमेंट दिखाई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर फोरकास्ट। अगर हम अर्निंग पर शेयर फोरकास्ट की बात करें तो यहाँ पे जैसे हमें एक शेयर पे 3.45 मिलता था, अब हम इसका अगर हाईएस्ट टारगेट देखें तो एटलीस्ट हमें 4.53 का दिखाई दे रहा है। यहाँ से सीधे 1% का इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है अर्निंग पर शेयर फोरकास्टिंग में, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई देने की संभावना बन रही है। अगर इसकी फोरकास्टिंग के बारे में बात करें तो 163.10 पे करंट प्राइस है, यहाँ से एक अपसाइड टारगेट आपको दे सकता है, हाईएस्ट टारगेट 286, मतलब यहाँ से आपको 75% का एक रिटर्न मिल सकता है। ये हाईएस्ट टारगेट बताया मैंने, मीडियम टारगेट इसके निकल के आ सकते हैं 177, यहाँ से 8%, और एक लो टारगेट आपको देखने मिल सकता है 134 का डाउनसाइड। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक रिस्क हो सकता है 134 तक, तो यहाँ से हम देख सकते हैं। अगर इसके हम पीयर कंपैरिजन की बात करें जाए तो IEX के जो पीयर कंपैरिजन में RTN इंडिया आती है, PTC आती है, तो PE रेशियो देख सकते हैं 46.98 है, जबकि RTN इंडिया का 10.47 और PTC का 5.51, और PB रेशियो भी देख सकते हैं काफ़ी इंप्रूवमेंट है, 26.14 है, RTN इंडिया का ओवर है और PTC का ऑलमोस्ट निल।
तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे सारे चांसेस देखने मिल सकते हैं। अगर हम यहाँ के अगर वन ईयर के प्रेडिक्शन की बात की जाए तो वॉलेट इन्वेस्टर के हिसाब से अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो एक औसम इन्वेस्टमेंट कहलाता है। मतलब यहाँ से आपको 269 तक के आपको टारगेट देखने मिल सकते हैं इन द पीरियड ऑफ वन ईयर। इनकम स्टेटमेंट के ऊपर भी एक नज़र मार लेते हैं। टोटल रेवेन्यू आप देख सकते हैं दिसंबर 2021 में, ये क्वार्टरली बेसिस में मैं आपको बता रहा हूँ, 130 था और 135 इम्प्रूव होके मार्च 2022 तक आया। EBITDA में आप देख सकते हैं 112 था, फिर 118 हुआ, थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है। PBIT के बारे में बात करें तो PBIT थोड़ा सा बड़ा है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में बात करें तो 107 से 114 हुआ। नेट इनकम में भी एक इंक्रीज देखने मिली है। अर्निंग पर शेयर आप देख सकते हैं 0.90 था, 0.99, तो काफ़ी अच्छा है। फाइनेंशियल ट्रेंड भी ऑलमोस्ट स्मूथ है और साउंड है। तो यहाँ पे हमें अब इसके बारे में बात करेंगे, इसके प्रोस एंड कॉन्स। तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। कंपनी आपको क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 24.98 CAGR ओवर लास्ट फाइव ईयर्स में 24.98 CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है। कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी। मतलब आप अगर इक्विटी खरीदते हैं, होल्डिंग करते हैं, तो आपको अगले 3 साल में एटलीस्ट 47.29% के हिसाब से एक ट्रैक रिकॉर्ड इसका बना है, तो वैसे भी आगे आपको देखने मिल सकते हैं। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 52.40%। कंपनी डिविडेंड देती है तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी देती है। सेल्स ग्रोथ काफ़ी इंप्रूव हुई है, 16.01% फॉर लास्ट 10 ईयर्स। अब इसके कॉन्स की बात करी जाए तो कॉन्स इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 20.88 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। डेटर डेज इनके थोड़े से इंक्रीज़ हुए हैं, जो उनको पेमेंट्स लेनी होती है अपने क्लाइंट से, वो थोड़ी सी इंक्रीज हुई, 26 दिन से बढ़ के 74 डेज़ हो गई। जहां 26 दिन के अंदर पेमेंट इनको मिलती थी, वो 74 डेज़ हो गई, अब 74 डेज़ में मिलती है। ये था हमारा स्टॉक एनालिसिस IEX एक्सचेंज के ऊपर, IEX स्टॉक के ऊपर। तो अगर यहां से आप स्टॉक को ख़रीदना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस लें। ये मेरा एक स्टॉक एनालिसिस था, काफ़ी अच्छी कंपनी है, साउंड कंपनी है। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस करी। अगर कुछ आपको डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इन्वेस्ट करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह मशवरा कीजिएगा। थैंक यू सो मच।